हेलो व्हाट्स अप गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये वाला चैनल पहले मेरे बाबा का होता था, तो अब उनके चैनल पे मेरे व्लॉग आया करेंगे। आज जुमा था, अभी हम जुमा अदा करके आए हैं। तो अभी हमारा क्रिकेट खेलने का प्लान था, आज तो बारिश होगी तो हमने आज क्रिकेट नहीं खेला। और ये मेरा छोटा भाई है, इसे भी व्लॉग में आने का बहुत शौक है। अभी थोड़ी देर तक आप मिलते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी आपको मैं छत नहीं दिखा सकता, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं छत दिखाऊंगा। अलियान जो मेरा बैट लेके आओ, बैट अभी, और अभी आपको मैं अपना बैट जल्दी से ले आओ बैट मेरा। अभी तो ये देखें, देखें ये मेरा बैट है। ये देखे जेडी का बैट है, फुल जर्मन। ये देखे मेरा भैया फुल है, जेडी का बैट है। ये चेक कर, ये हड्डी चेक करिए, हड्डी है ये आगे नीचे। और मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा, हमें ज्यादा अच्छी लगती है, हमें मुर्गों का शौक है। भी आप इसकी जरूरत देखे और नंबर देखे इसका, ये नंबर। अगर आपने भी इस तरह के बैट लेने हो, इन नंबर पर कॉल करें। टीएम भी लिखा है, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको आप या चुका। अब वापस चेक लेके आ चुका, जो पागल हो, जो पागल का बहुत बड़ा है। आपको बबरा खा का सूरत बताती हूँ। देखिए ये पागल है, वो लगी है, वो देखिए मम्मा ने क्या मुंह करे हुए हैं। गाइस गाइस ये पागल है, ये पागल ही बहुत बदतमीज है। हमारे टीचर रखे हुए हैं, बहुत ध्यान आए हैं, बहुत स्मार्ट है। आपको बता कि जुमे का दिन, अभी हम थोड़ी देर होगी, एक घंटा होगा जुमा पढ़ के आज, तो बारिश हो गई थी। फिर आके मैं थोड़ी देर ऊपर छत पे बैट बॉल खेलने लग गया, बैट बॉल खेली, अभी हमारी बॉल घूम गया, तो अब हम नीचे आ चुके हैं। 3:30 बजे हमारा ट्यूशन का भी टाइम हो जा एक। अभी मुझे वैसे तो इन चीज़ों का शौक नहीं, मुझे पहले पतंग उड़ाने का था, मैं नहीं उड़ाता। आपको जैसा पता है, जैसा क्या पता है कि वो जो फैसलाबाद में एक हादसा आया, आसिफ विश्वाक नाम का लड़का, जिसकी 1-4 दिन बाद शादी थी, तो उसके गले में डोर फिर गई और वो उधर ही जान से हाथ धो बैठा। और इसलिए आपको भी मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप भी पतंगबाजी ना क्या करें, और दूसरों को भी बताएं आगे से आगे मैसेज आपको देना, आप भी पतंगबाजी ना क्या करें, और दूसरों को भी जो लोग उड़ाते हैं करते हैं पतंगबाजी, उन्हें भी मना क्या करें। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था। तो अब मेरे वैसे इतनी चीज़ों का शौक नहीं था, मेरे डॉग्स का और मुर्गे का शौक। और मैं अभी आप सबको पता क्या कि ईद उल अज़हा भी आ रही है, तो उस पर इंशाल्लाह इस बार हमने बकरा और एक वैड़ा लेना है, वैड़ा भी हम अच्छा लेंगे, और आपको ईद उल अज़हा पे भी मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग आते और दिखेंगे। देखें बारिश बहुत तेज हो गई है, अभी हम तब तक खेल रहे हैं, हमारी बॉल घूम गई और यहाँ तो बारिश भी बहुत तेज हो गई है। इतना पानी है छत पे, इतना पानी है, और छत पे हमारे पता नहीं वो टोकरियों में मट्टी पड़ी हुई है, अभी वो भी उड़ेंगे हम वहाँ से, और ऊपर हम मुर्गा रखेंगे उतना। देखिए बिजली कड़क रही है, बहुत तेज बारिश है, और अभी एक दरवाजा मैं आपको उधर से आपको दिखाती हूँ। ऊपर से कितनी तेज बारिश हो रही है, वो देखिए बात हो रही है। तो भी आप सामने देख लिया कि कितनी तेज बारिश थी, और मैं भी थोड़ी देर लेटने वाला हूँ। और मुझे अब तो क्रिकेट का भी है, स्पोर्ट्स में जो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और मेरे पापा ने मुझे हार्ड बॉल के बैट की सारी किट लेकर दी हुई है। तो अभी मैं थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह से अकेडमी भी जाया करूँगा, और वहाँ जाके प्रैक्टिस किया करूँगा। और आप सबको भी गुजारिश है, यहाँ तो आप क्रिकेट का शौक रखें और पतंगबाजी से आप दूर आ करें, ये मैं आपको मैसेज। तो अभी मैं थोड़ी देर लेटने वाला हूँ, आप भी लेटे और जाइए मैं सुकून से। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ वहाँ से, पहले मैं गया ट्यूशन से, पहले मैं गया था वहाँ पे, मैं लेट गया था थोड़ी देर के लिए, तो आपको मैंने दिखाया भी था, बहुत तेज बारिश हो गई। अब
यार बारिश रुक गई है तो मैंने फिर मैं थोड़ी देर लेट गया। उसके बाद हमने चिप्स खाई, मुझे भूख भूख लगी हुई थी। उसके बाद मैं ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से भी आया हूँ और अभी हम हरी पापा के दोस्त के घर दावा था तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अभी आपको मैं वहाँ जाके मिलता हूँ। अब हम जा रहे हैं पापा के दोस्त के घर और ये रहे मेरे पापा। ये पहले व्लॉग बनाया करते थे, आपको इनके व्लॉग का नाम भी बताओगे, मिर्जा शहजेब जलालनाथ खान। तो अभी हम जा रहे हैं पापा के दोस्त के घर और आप सबको वहाँ जाके हम मिलते हैं। अभी हम जाने के लिए निकल रहे हैं, अभी आपको मैं गाड़ी में जाके, अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, गली में से हम गुजर के जा रहे हैं। अभी आपको मैं गाड़ी में आगे दिखा तू गाड़ी का। सो गाइस अभी मैं गाड़ी में आगे बैठ गई हूँ और अभी मैं आपको जाते वक्त का भी रास्ता दिखाऊंगा। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं तो अभी घर पहुँचा, अभी आपको मैं रियासत से भी मिलवा दू। अभी हम बोल रहे हैं तो अभी वहाँ पे हमने झंडा 2-3 घंटा फर्क है थोड़ा सा। कल जो अभी यहाँ पे बैठे हुए थे और कहते हैं शहजेब अंकल कॉल आई ते ना चुकी, नंबर जान बंद कर देता। आपने मुझे कहा है कि जाके मेरी बात करवाना, तो मैंने कहा इससे पहले ये कर ले मैं खुद करवाऊंगा। आज पकड़ा गया, आज पकड़ा गया। अभी मेरी बहन की तबीयत खराब थी, हमने से दवाई लेकर दी तो उसके बाद अभी हम घर जा रहे हैं। अभी घर जाके मैं केक भी बनाऊंगा और आप सबको मैं किंग भी दिखाऊंगा फोटो बाद। और अब आपको घर जाके, अब हम घर की तरफ आ चुके हैं, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। और अब आधा व्लॉग मैंने बना लिया क्योंकि मैंने व्लॉग रात शाम के टाइम शुरू किया था तो इसलिए वो फिर व्लॉग थोड़ा छोटा हो गया। अब मैं सुबह भी उठ के व्लॉग बनाऊंगा और सुबह आपको मैं बताऊँगा हमने कहाँ जाना है। अभी मैंने पापा के साथ नहीं गया, पहले मैं नहीं जानता पापा अगर मेरा प्लान था जाने का तो उसके बाद मैं नहीं गया क्योंकि मैं थक गया था काफ़ी। तो अभी मैंने केक बना लिया तो मुझे मेकिंग दिखाने याद नहीं रहा। इंशाल्लाह अगली बार अगर मैं बनाया तो अब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं कैसे मेकिंग करता हूँ। तो आप भी फिर ये बनाइएगा। तो अभी मैंने केक बना लिया, मेरी बहन अभी केक लेके आ रही है तो अभी आपको मैं केक चलिए खाते चीज तो बढ़िया है। अभी मैं खा लूं तो फिर आपसे मैं सो के उठ चुकू, आपको मैं थक गया था और आप पहले मुझे खा के फिर सो गया था, आपको अल्लाह हाफिज़ कहना नहीं भूला। तो रात का अल्लाह हाफिज़ मैं अभी आपको कह देता हूँ अल्लाह हाफिज़। और तो अभी आप सबको बताऊँगा कि आज हफ्ते का दिन है और आज मेरा मुर्गा भी आ जाएगा, उसके बाद आपको मैं अपना मुर्गा भी दिखूँगा इसलिए। और आज पूरा दिन जो हम करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। रात को मैं थक गया था और अभी मैं उठ चुकूँ वो अभी थोड़ी देर गाय अभी 11:30 हो गया, 12 बजे मेरे ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो मैं आपको ट्यूशन से आके चढ़ दिखूँगा। और अभी मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना ले आया, अभी खाने का आपको दिखा दे नाने आ रही लाऊँ मैं अभी टेस्ट करके।
चीज तो बढ़िया है। अब कहा क्या आपसे मिलते हैं, तो गाइस अभी मैंने खाना वाला खा लिया, अब ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। आज बाजी ने 12 बजे बुलाया था, तो इसलिए मैं 12 बजे भी जाने वाला हूँ, तो मैं पढ़ के आके आप सबसे मिलता हूँ।